हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और प्रोग्रामिंग टूल की जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, ऐसे एल्गोरिथम भी क्या है? एल्गोरिथम एक प्रोग्रामिंग टूल है, या कह लीजिए बेसिक स्टेप है प्रोग्रामिंग जब हम लोग शुरू करते हैं इसका, या और अभी हम आपको इसको बताते हैं कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी, मान लीजिए हमने किसी प्रॉब्लम का, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने का जो प्रोसीजर है वो ये है, ठीक है। तो जब इस प्रोसीजर को हम स्टेप वाइज, इसको जब हम स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक। ये इसका बहुत ही आसान और बेसिक तरीका हो गया समझने का। इसमें हालांकि एल्गोरिथम में जब आप स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, से बहुत ही सिंपल ढंग से हमने कहा कि, मान लीजिए हमने कहा कि से इफ वी हैव टू ऐड टू नंबर, अगर दो नंबर को हमको ए प्लस बी को ऐड करना है, हमें सी इक्वल टू ए प्लस बी इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको, इसकी अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमने सिंपली, हमने क्या किया, हमने स्टेप वन में लिख दिया से स्टार्ट, मतलब एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रही। स्टेप टू में हमने लिख दिया इनपुट करिए किसको, ए को और बी को, ये हमने लिख दिया। स्टेप थ्री में हमने लिख दिया कि कंप्यूट या कैलकुलेट किसको, सी इक्वल टू ए प्लस बी को, ठीक है। उसके बाद हमने कहा स्टेप फोर में सी को हमने सेव कर लिया, या हमने कहा प्रिंट, या हमने कहा आउटपुट सी, ये हमारा। और स्टेप फाइव में हमने कहा कि एंड, यहाँ पे एल्गोरिथम खत्म हो गया, ठीक। तो ये अगर इसको, जैसे हमने दो नंबरों के एडिशन के को हमने स्टेप वाइज रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या हो गया, ये दो नंबरों के एडिशन की एल्गोरिथम हो गई, क्लियर। अब इसमें क्या है कि एल्गोरिथम जब भी हम बनाते हैं, तो देखिए एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एल्गोरिथम्स आर रिटेन इन ए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिजायरेबल फीचर होने चाहिए किसी भी अच्छे एल्गोरिथम में, वो कोई भी डिजायरेबल फीचर्स इन एन एल्गोरिथम, क्या, पहला क्या है कि ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी सिंपल, क्लियर। एल्गोरिथम का हर स्टेप सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक, सिंपल होना चाहिए। सेकंड क्या है कि इट शुड बी अनएम्बिगस इन द सेंस दैट द लॉजिक शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, मतलब जो स्टेप है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगस होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, और लॉजिक शुड बी, उसके अंदर जो लॉजिक है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है कि इट शुड बी इफेक्टिव, मतलब क्या हुआ, इट मस्ट लीड टू अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी एल्गोरिथम जो है वो प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हो, ठीक है। जैसे इसको मान लीजिए लिख भी दिया, तो पहला क्या है, ईच स्टेप शुड बी सिंपल, दूसरा क्या है अनएम्बिगस, तीसरा है यूनिक सॉल्यूशन देना चाहिए, चौथा पॉइंट क्या है, इट मस्ट एंड इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स किसी एल्गोरिथम में, नंबर ऑफ स्टेप्स ये फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट स्टेप जो है किसी एल्गोरिथम में। और पांचवा पॉइंट क्या है कि इट शुड बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल, इट शुड बी एज, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एल्गोरिथम एफिशिएंट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को। तो ये कुछ डिजायरेबल फीचर है, कोई भी एल्गोरिथम अगर आप डेवलप करते हैं तो उनमें ये फीचर होने चाहिए। ये तो हो गए इसके डिजायरेबल फीचर्स।
अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला क्या है, पहला है इनपुट। इनपुट का मतलब ये हुआ कि दिस पार्ट ऑफ एल्गोरिथम रीड्स द डेटा बाय एक्सेप्टिंग द इनपुट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। दिस पार्ट ऑफ एल्गोरिथम रीड्स द डेटा बाय एक्सेप्टिंग द इनपुट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सेकंड क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि दिस पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डज द रिक्वायर कंप्यूटेशंस विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्टेप्स। तो ये हो गया प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं। थर्ड हो गया फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब ये हो गया कि द एल्गोरिथम मस्ट कम टू एन एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, जितने भी स्टेप हैं, 10 है, 50 है, 100 है, 200, जितने भी हैं, मतलब फाइनली एल्गोरिथम एंड होनी चाहिए, ये नहीं कि वो इनफाइनाइट चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इट शुड ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेबल विद इन ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ऑन द टारगेट मशीन। मतलब कि हर एक स्टेप बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए और एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी पर्टिकुलर या टारगेट मशीन पे, ठीक। और फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी आउटपुट। आउटपुट का मतलब हो गया कि द एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, कि जिस आउटपुट को अचीव करने के लिए एल्गोरिथम डिजाइन किया गया था वो फाइनली हमको आउटपुट स्टेप में मिल जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम की, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, फाइनाइटनेस हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया और आउटपुट हो गया। ये सारी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी एल्गोरिथम की। इसी पे बेस्ड हम एक एल्गोरिथम को दूसरे एल्गोरिथम से बेटर कह सकते हैं या कम अच्छा कह सकते हैं, जो कुछ भी। तो करेक्टरिस्टिक किसी भी चीज़ की जो करेक्टरिस्टिक होती है उसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी और यू कैन से दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम ऑब्जेक्ट और थिंग बाय विच इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। मतलब जिस पे बेस करके हम इसको बाय विच दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिस्टम ऑब्जेक्ट और थिंग ऑफ द सिमिलर काइंड। सेम तरह की अगर एल्गोरिथम है आपके पास दो, तो उसमें कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, ये इनपुट, प्रोसेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड आउटपुट। ये हो गया बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम। अब उसके बाद बात आती है कि एल्गोरिथम मान लीजिए हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या इसको दूसरे ढंग से हम ये कह सकते हैं कि रिकमेंडेशंस फॉर एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट। इसको समझ लीजिए तब आपको एल्गोरिथम बनाने में आसानी। रिकमेंडेशन फॉर एल्गोरिथम डेवलपमेंट, ठीक है, कि एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए कुछ जो रिकमेंडेशंस है या जिन चीज को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए बात यह आती है कि हाउ टू डेवलप एन एल्गोरिथम, द प्रॉब्लम हैज टू प्रॉपरली एनालाइज। सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम दी हुई है उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। द प्रोग्रामर हैज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड कम आउट विद ए मेथड और लॉजिक दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द लॉजिक मस्ट बी सिंपल एंड अडेप्टेबल ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है।
तो ये बहुत, देखिए एल्गोरिथम बनाना उसके बाद प्रोग्रामिंग करना, तो अगर आपने सही एल्गोरिथम बना लिया है तो प्रोग्रामिंग करना, तो यह है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स और वो सारी चीज़ें आती हैं तो आप उस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं कोडिंग, कोडिंग कर सकते हैं, तो कोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एल्गोरिथम परफेक्ट बनी होगी तभी प्रोग्राम सही रन करेगा। तो इसीलिए उसने जो स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि जब आप एल्गोरिथम डेवलप करने चाह रहे हैं तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है या किस चीज के लिए, या हम क्या किस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो पहला स्टेप हो गया अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सेकेंड आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम, कि ठीक है हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब हम इसको जब एल्गोरिथम बनाएंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक, थर्ड स्टेप आप आ जाइए, ये सब चीज़ें एकदम जब क्लियर होंगी तभी आप एल्गोरिथम डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा तो एल्गोरिथम नहीं डेवलप होगी। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लम टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट, यानी उसके बाद आपने जब ये डिसाइड कर लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, क्या आउटपुट चाहिए वो भी समझ लिया, तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि हमें आइडेंटिफाई द इनपुट्स, हम क्या इनपुट देंगे ताकि हमको ये आउटपुट मिले। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिजाइन, अब ये है मेन है डिजाइन है लॉजिक, इनपुट आउटपुट पता चल गया, अब आपको लॉजिक डिजाइन करना है कि हम कैसे काम करें, डिजाइन है लॉजिक और प्रोसेस ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। ठीक, डिजाइन है लॉजिक और प्रोसेस दैट विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट, यही है सबसे ज्यादा मेन चीज। लॉजिक में अगर गलती हुई, डिजाइनिंग में गलती हुई, तो फिर वो एल्गोरिथम नहीं बढ़िया बनेगी ना, तो फिर कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट देगा, मतलब कुल मिला के सब गड़बड़। उसके बाद क्या है, जब आपने लॉजिक वॉजिक बना लिया, आइडेंटिफाई हो गया इनपुट भी, डिजायर्ड आउटपुट भी पता चल गया, आपने लॉजिक भी बना लिया, अब उसको टेस्ट कीजिए, टेस्टिंग। जो पॉइंट नंबर हम लोग पढ़ रहे थे कि टेस्टिंग द डेटा, टेस्टिंग द एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर ए गिवेन सेट ऑफ इनपुट डेटा, फॉर ए गिवेन सेट ऑफ इनपुट डेटा, इसमें क्या होता है कि जब हम इनपुट डेटा, जब हम एल्गोरिथम डेवलप कर लेते हैं तो ऐसे नहीं उसको हम तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या अगर हम प्रोग्रामर हैं तो अपने कस्टमर को दे देते हैं, हम उसको कुछ सेट ऑफ इनपुट डेटा पे हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि अपने एल्गोरिथम के हिसाब से कि वेदर वी आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। तो टेस्टिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एल्गोरिथम डेवलपमेंट का, और जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है, स्टेप नंबर सिक्स, वो ये होता है कि ये जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े, रिपीट स्टेप 1, 2, स्टेप 5, स्टेप 1 से 5 तक जो भी स्टेप्स हैं उसको हम बार बार रिपीट करते हैं टिल द एल्गोरिथम प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स, टिल द एल्गोरिथम प्रोड्यूस, जब तक कि एल्गोरिथम प्रोड्यूस नहीं कर देता डिजायर्ड रिजल्ट, तब तक हम स्टेप 1 से स्टेप 5 तक के स्टेप्स को बार बार रिपीट करते जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ रिकमेंडेशन कह लीजिए, या कुछ सजेस्टेड पॉइंट कह लीजिए, या कुछ एडवाइस कह लीजिए, ये अगर आप एल्गोरिथम के डेवलपमेंट में फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एल्गोरिथम अच्छे से डेवलप होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जैसे आपका जो भी हमने 1 से लेकर 5 स्टेप में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द आउटपुट, आइडेंटिफाई द इनपुट, डिजाइन ए लॉजिक प्रोसेस, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ डेवलप्ड एल्गोरिथम,
तो ये पांचों स्टेप्स आपको ध्यान से करने होंगे, और ये 1 से 5 तक के जो स्टेप है इसको हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्गोरिथम। तो आई होप कि आपको एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक चीज रिपीट करना चाहूँगा कि ये ध्यान रखिएगा, एल्गोरिथम हमेशा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। कोई एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं डेवलप की जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी यह है कि आगे कुछ एग्जांपल लेके हम लोग कमिंग लेक्चर्स में और इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट कंफ्यूजन या कुछ कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं डिटेल, तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।